ये चौक एंड डस्टर के लोकेशन पे जूही जी समीर सोनी जी का शॉट चल रहा है, जहाँ पे उनका एक कार का शूट है। और ये सीन में ऐसा है कि उन्होंने कुछ अपने फैमिली के साथ में फर्स्ट टाइम कुछ कार बाय की है और वो काफ़ी खुश है, उसकी वो खुशी का इजहार ये ऑन लोकेशन रोड पे कर रहे हैं। फिल्म में और भी कई दिग्गज कलाकार हैं, शबाना आजमी हैं, समीर सोनी जी से कहा, तो इन सबको एक साथ लेने का जो कंसेप्ट था ये किस तरह से जहन में आया? कुछ नहीं, ये जो मूवी का रोल था चौक एंड डस्टर, जैसे फिल्म में मैंने कहा है, इसके अंदर जो टीचर्स बेस्ड स्टोरी है उसके अंदर जो किरदार जहाँ जहाँ परफेक्ट था उसके हिसाब से उसको लिया गया है। जूही जी उनके किरदार में एकदम फिक्स थी, शबाना जी है जो उनका रोल है उनके हिसाब से फिक्स है, उसके हिसाब से उनको लिया गया। ऋचा चड्ढा का भी एक अच्छा रोल है हमने सुना है फिल्म में, ये किस तरह का, उनका किस तरह का किरदार है? वो एक प्रेस रिपोर्टर का रोल कर रही है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। वो एक मेन कलाकार की तरह एंट्री करेगी इसके अंदर, जो काफ़ी कुछ चेंज करेगा इस मूवी में, जो बहुत बड़ी एंट्री होगी उनकी। म्यूज़िक और लिरिक्स की बात करें, लिरिक्स जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं, किस तरह का म्यूज़िक होने वाला है और किस तरह पूरा होने वाला है? एकदम सॉबर और साइलेंट म्यूज़िक है, जैसे कि टीचर्स बेस्ड मूवी का तो कोई धमादार ऐसा म्यूज़िक नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है। सर, फिल्म के पहले दिन से एक बहुत ही अच्छा बस क्रिएट हुआ है, हमने डायरेक्टर जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि फिल्म में शाहरुख या कटरीना जैसे कोई एक कैमियो होगा, आप प्रोड्यूसर जी आप सामने खड़े हैं तो क्या कुछ? नहीं, वो एंड टाइम पे बताने में आएगा, जब पॉइंट बना होगा। अविन सर, आप ये बताइए, आपकी पहली मूवी है, ऐसा लाइक कोई फिल्म का बैकग्राउंड नहीं है, ना बैकग्राउंड है ना आपको एक्सपीरियंस है एज अ प्रोड्यूसर, बट चौक एंड डस्टर के लिए आपने पहले इसमें हाँ कर दिया और आज पूरी फिल्म एज लाइक होल एंड सोल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया है कि इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये स्टोरी सुन के ही मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, और ये काफ़ी क्लीन बेस्ड स्टोरी है। और दूसरा जैन सर, जैन जो इस पिक्चर्स के डायरेक्टर है, वो काफ़ी मेरे अजीज दोस्त है, उनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है, उसके ऊपर से ये होल एंड सोल मैं बेस्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस है आपका कंस्ट्रक्शन से सुरानी पिक्चर्स तक का? काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेस है। ये फिल्म अभी कब रिलीज करने का प्लानिंग है आगे? टीचर्स डे पे, 4th सितंबर, 5th सितंबर। Thank you.